हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। कोई बात नहीं है, तो दोनों बैंक लिए और दोनों में आपको नुकसान है, और दोनों सरकारी बैंक कैनरा बैंक पीएनबी इनके पास है सर, क्या दोनों की चाल कुछ बदलेगी? इनके भाव पे नुकसान है इन्हें। देखिए, पहले भी शुरू में हमने यही डिस्कस किया, थॉट हम हमारे कंसिस्टेंट रहते हैं, द सेंस कि रोज रोज स्ट्रेटजी चेंज करके मतलब नहीं, थॉट ये कि पीएसयूज काफी अच्छे चले थे पीछे से और अपने उन मूव्स को पचा रहे, तो आज से शायद 1.5-2 महीने पहले हमने इसमें एक महीने पहले चर्चा की होगी, तो मुझे तब भी लग रहा था कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा 3-6 महीने, तो आज अगर एक महीना उसमें से निकल गया है तो अनदर 1-5 मंथ्स मुझे लगता है कि साइडवेज टू डाउन रहेंगे, बट बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि 100 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। 9500 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं कैन बैंक के लिए, पीएनबी के लिए भी अराउंड 105-100 वहां पे भी अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा उनके नीचे आइडली जाना नहीं चाहिए, ट्रेड से बने रहें, और इवेंचुअली जिस तरह का करेक्शन चल रहा है दोनों केसेस में मुझे लगता तो यही है कि इवेंचुअली 6-9 महीने के बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा, बट पेशेंस से बने रहना पड़ेगा।